TVN देखण वाले समुचे दर्शकों दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते सत्कार सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सभना दा निघा स्वागत। पंजाब च एस्मा एक्ट लागू, सरकार अते माल विभाग के कर्मचारियों अते अधिकारियों विच पिया नवां रफड़। विजिलेंस अधिकारी बन के लखां रुपए ठगण वाले तीन व्यक्ति गिरफ्तार। सुखबीर बादल ने खिंची चोणां दी तैयारी। नरवीर ने कुटमार दी वीडियो कीती जारी। राजा वड़िंग ते सुखी रंधावा फसे कसूते। कैनेडा आउण दे चाहवान विद्यार्थियों अते उन्हां दे मापिआं नूं लग सकदा करारा झटका अते कुछ होर जानकारियां अपने अज दे प्रोग्राम दौरान शामिल रहणगियां। इहदे तों पहलां इहनां दे उत्ते विस्थारत गल्लबात कीती जावे। तुहानू सभना नू बेनती है कि पहला प्रोग्राम देख लेना, सुन लेना, ते जेकर चंगा लग्या फिर लाइक अते शेयर जरूर कर देना। दूसरी बेनती ए कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। तो हुण गल करदे आं पंजाब दे विच माल विभाग के अधिकारी कर्मचारी अते दूसरे पासे पंजाब सरकार है। मिल रही जानकारी दे अनुसार पंजाब दे पटवारियां, कानूनगो अते डीसी दफ्तर मुलाजमां दे वल्लों आउण वाले दिनां दे विच कलम छोड़ हड़ताल करन दा जिहड़ा मुद्दा है उहने तूल फड़ लई है। कल पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन्हां मुलाजमां नूं चेतावनी दे दित्ती सी। उन्हां आख्या सी कि जेकर वह कलम छोड़ हड़ताल करदे है कर लैण, पर वापस कलम किन्हां दे हत्थां विच फड़ाउणी है यह फैसला फिर तुहाडा नहीं, यह फैसला सरकार करेगी। इस ही विचाले हुण पंजाब सरकार ने सरकारी मुलाजमान नूं हुक्म जारी कर दिते है ते यह भी आख्या कि अगले हुक्मां तक अपनी ड्यूटी ते वह गैर हाजिर नहीं हो सकणगे। इहदे नाल ही इस हुक्म की उलंघना करन वालियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी नाल दे दित्ती है। स्पैशल मुख्य सकत्तर के ए पी सिन्हा दे वल्लों ये हुक्म जारी किए गए है ते उन्होंने आख्या कि भारी मीह उहदे कारण भाखड़ा, रणजीत सागर अते पौंक डैम तो जिहड़ा पानी छड्डिया गया सी उहदे कारण पंजाब दे तकरीबन सारे जिलों दे विच ही हड़ां दा सामना कर रहे ने लोग। हड़ प्रभावित लोगों को फौरी तौर पर राहत पहुँचाने की लोड़ है। इस कारण उन्होंने इन्हों हुक्मों में आख्या कि पटवारियां, कानगुआ, सर्कल रेवन्यू अफसर, डीसी दफ्तर के मुलाजमान या जड़े होर मुलाजम ने उन्हों राहत कार्जा के लाया हुआ गिरदावरियां हो रही ने। ये वास्ते ये सारे मुलाजमान ईस्ट पंजाब एसेंशियल सर्विसिज एक्ट 1947 जिसनों ESMA एस्मा भी कहते हैं उदे तहत यह हदायतां जारी कर दित्तियां गईयां ने को अपनी जिहड़ी उन्हां दी पोस्टिंग है पोस्टिंग वाली थां ते 31 अक्तूबर जां फिर अगले हुक्मां तक वह पोस्टिंग नहीं छड्ड सकणगे। ते नाल इस हुक्म दे विच लिखिया होया कि हुक्मां दी उलंघना करन वालियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल विच लियांदी जाएगी। दसणा बणदा कि पटवारियां, कानगुआ ते डीसी दफ्तर दे मुलाजमां दे वल्लों आने वाले दिनों दे विच कलम छोड़ हड़ताल करन दा ऐलान कर दिता गया सी। ते इहदे तों बाद पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया सी अते फिर आंगनवाड़ी वर्करां नूं नियुक्ति पत्र वंडदे समय सख्त चेतावनी मुड़ तों दे दित्ती सी। उन्होंने इन्हां नूं आख्या सी कि हड़ताल ना करियो। ट्वीट किया सी कि जानकारी मुताबक पटवारी कानगो किसी रिश्वत मामले में फसे अपने एक साथी के हक च अते डीसी दफ्तर कर्मचारी अपनियां निजी मंगां नूं लैके आउंदे दिनां दे विच कलम छोड़ हड़ताल करनगे। उन्होंने लिखिया सी कि मैं दसना चाहुंदा है कि कलम छोड़ हड़ताल तां करो पर बाद विच कलम तुहाडे हत्थां च देनी है जां नहीं इह फैसला तुहाडा नहीं, इह फैसला सरकार करेगी। नाल उन्होंने आख्या कि साडे कोल बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोज़गार मौजूद ने जो तुहाडे वालियां कलमां फड़न नूं तैयार बैठे ने। पंजाब दे लोकां दी खज्जल खुआरी नहीं होण देवांगा। एक होर ट्वीट दे विच पंजाब दे मुख्यमंत्री ने लिखिया, हुण ट्वीट नूं एक्स भी कह सकते हैं आपां, होर एक होर एक्स विच लिखिया है कि सरकार दे कुछ कर्मचारी जिहड़े बहुत तनखाहां लैंदे ने कहिंदे हड़ताल करांगे, लोकां नूं खज्जल करके तुसीं काम की जिम्मेवारी नहीं निभा रहे, जे कलम छोड़ हड़ताल ही करनी है तां सुण लवो,
बाद विच छड्डी हुई कलम दा की करना है वो सरकार तय करेगी। साढ़े सारिया लोग पहला होने चाहिए ने, जायज़ मंगा वो कहते पहला भी मंगिया गई तो हुण भी मन्नांगे, पर तीसरे दिन दरिया विछा के धक्के नाल रखियां मंगा नहीं मनिया जाणगियां। दूसरे पासे मुख्यमंत्री दे इन्हां बयानां ते एक्स तो बाद पटवारियां ते कर्मचारियों ने आख्या कि जेकर पंजाब सरकार इसे रस्ते ते रही तो अपने परिवारां समेत सड़कां ते जरूर उतरणगे। देखदिया इहदे विच्चों कोई विचकारला रस्ता निकलदा जां नहीं। अपने अज दे प्रोग्राम पंजाब बोलदा विच इस मसले ते चर्चा की गई सी। पब्लिक बहु गिणती इस गल दे हक विच आ कि इह वक्त हड़ताल करन दा नहीं है। तो हुण गल करदे आ साढ़े अंदर रिश्वतखोरी भ्रिष्टाचार बेईमानी किस को हद तक है, आ कुछ खबरां अज दे प्रोग्राम दौरान भी ने वो तुहाडे नाल सांझियां करनियां ने। एक पासे कहिंदे आ कि पंजाब दे विच भ्रिष्टाचार दे विरुद्ध मुहिम विढ़ी हुई है, विजिलेंस ब्यूरो किसी ना किसी रोज़ गिरफ़्तार करती है। तो अज खबर मिल रही है कि पन ग्रेन का इंस्पैक्टर है, ग्रेड वन है, नाम उहदा बिक्रमजीत सिंह। बिक्रमजीत सिंह नूं श्री खडूर साहब जिला तरन तारण दे विच पन ग्रेन गोदामा दे इंचार्ज वजों अपनी तैनाती दे दौरान कणक गबन करन अते सरकारी खजाने नूं लगभग 1.25 करोड़ रुपए तो वाधा नुकसान पहुँचाउण दे दोष अधीन गिरफ़्तार कर लिया गया। जानकारी दे अनुसार ये जिहड़ा इंस्पैक्टर है अजकल गुरदासपुर दे विच तैनात सी अते हुण उस नूं मुअत्तल कर दिता गया है। इस संबंधी जानकारी दित्ती आ विजिलेंस ब्यूरो ने। उन्हां दे बुलारे ने दस्सिया कि तरन तारण यूनिट ने उन्हां दी तकनीकी टीम ने भाव विजिलेंस ब्यूरो की तकनीकी टीम ने श्री खडूर साहब दे विच पन ग्रेन के गोदामा की अचनचेत चैकिंग की। गोदामा दे विच स्टोर किए स्टॉक के 2019-20 दे विच 760 क्विंटल अते अगले साल भाव 2020-21 दौरान 229 क्विंटल कणक गैब पाई गई। तो इहदी जेकर मार्केट कीमत वेखी जाइए तो कहिंदे 1,24,93,709 रुपए बणदी आ, तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया बणदा है। उन्हां दस्सिया कि जाँच की गई, जाँच तो बाद विजिलेंस ब्यूरो अमृतसर रेंज विच इंस्पैक्टर बिक्रमजीत सिंह के खिलाफ भ्रिष्टाचार रोकू कानून दीआं वख-वख धाराव IPC की धारा 409 इहदे अधीन 30 अगस्त वाले दिन एक FIR नंबर 30 दर्ज कर दिती गई। उन्होंने भी दस्या कि मुलजम इंस्पैक्टर दीआं जिहड़ियां चल अचल जायदादा ने उन्हां दी जाँच भी शुरू कर दिती गई है। ये साड़ी ईमानदारी दीआं तस्वीरां जां बेईमानी दीआं तस्वीरां अपने आप अंदाज़ा लाओ। अगली तस्वीर भी कुछ इस तरह की है। एक पासे पंजाब विजिलेंस ब्यूरो अपना काम कर रही है तो दूसरे पासे उन्हां दे रूप च कुछ ठग भी सरगर्म ने। जानकारी मिली है कि लुधियाणा जिले का पिंड है भैणी सालू, उत्थों दे वसनीक तो विजिलेंस विभाग के अधिकारी बन के 3 व्यक्तियों ने 25 लाख रुपए ठग लिया है। तो यह 25 लाख रुपए के चैक लैण वालों में 2 साबका फौजियों के समेत कुल 3 व्यक्ति ने जिन्हों गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार किए गए मुलजमान की पछाण मनजीत सिंह पिंड भैणी सालू, परमजीत सिंह पिंड मेलों जिला लुधियाणा, परमिंदर सिंह आकाश कलोनी होशियारपुर, इन्हों के वजों की गई है। मनजीत सिंह परमिंदर सिंह साबका फौजी दसे जा रहे हैं। तुसी हैरान होवोगे कि इन्हों जिहड़ा परमिंदर सिंह है वह विश्व मनुखी अधिकार कारपोरेशन पंजाब का इंचार्ज भी है। अंदाजा ला के वेखो तो दरअसल ठग निकलिया। इस संबंधी जो जानकारी दिती विजिलेंस ब्यूरो के बुलारे ने, उन्होंने दसिया कि पलविंदर सिंह पिंड भैणी सालू ने शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ क महीने पहला उन्हें अपने पिंड 18 एकड़ जिहड़ी जद्दी जमीन वेची सी, ते इस उपरंत उन्हों पंचायती जमीन वेचण संबंधी सरकारी नोटिस मिल गया, जिस तो बाद 12 अगस्त 2023 नूं 3 अणपछाते व्यक्ति उहदे घर पहुँचते हैं, क्योंकि पिंड का बंदा एक नाल रलिया होया सी, ते उहदे घर च पहुँचते हैं अते खुद नूं दसदे आ कोई सैक्टर 17 चंडीगढ़ तों आए ने अते विजिलेंस विभाग दे उह 3 अधिकारी ने। शिकायतकर्ता ने दोष लाया कि पंचायती जमीन वेचण दे मामले नूं रफा दफा करन। इस मसले दे विच उन्होंने 50 लाख रुपए की उन्हां तों मंग की, क्योंकि उन्होंने दस्या कि इस संबंधी चंडीगढ़ दफ्तर दे विच जांच चल रही है,
तो इस मामले के विच तुहाडे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वो कहिंदे मैं डर गया, तो डरदे कारण इस व्यक्ति ने 25 लाख रुपए देने उन्होंने मन लाए, तो मुलजमान ने उन्हों 15 लाख 10 लाख रुपए के 2 चैक दस्तखत करने वास्ते राजी कर लिया कि दस्तखत करके ये चैक कट के दे दे, नकदी जदों तू दे देगा ये चैक तेनू तेरे वापस कर दिते जाणगे, ये गरंटी दे दिती गई। इन्हां मुलजमां दे विच्चों एक व्यक्ति शिकायतकर्ता दे कोलों कहिंदे 27,000 रुपए भी जेब चों धक्के नाल ही कढ के लै गया कि यह भी तू की करन दे, चल दे मैनू, ते नाल उहदा जांदा जांदा मोबाइल फोन भी लै गया। इस उपरंत शिकायतकर्ता नूं वट्सएप ते फिर धमकी भरिया फोन कॉल्स आउण लग पईआं कि जेकर उह 25 लख रुपये नकद देण विच असफल रहा तां फिर बख्शिया नहीं जाएगा, उहदे खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। विजिलेंस ब्यूरो दे बुलारे ने दस्सिया कि इस शिकायत दे आधार ते मनजीत सिंह पिंड भैणी सालू अते 3 अणपछाते व्यक्तियों के खिलाफ भ्रिष्टाचार रोकू कानून की धारा 7(7)(a) आई पी एस की धारा 384(120)(b) तहत 28 अगस्त को लुधियाणा के विच एक FIR दर्ज कर दिती गई। तो विजिलेंस ब्यूरो लुधियाणा की टीम ने मुलजम मनजीत सिंह परमजीत सिंह सोमवार वाले दिन गिरफ़्तार कर लिया सी, हुण ये दोवें 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड ते ने, भाव अज तक ये रिमांड ते रहणगे। परमिंदर सिंह वासी आकाश कलोनी हुशियारपुर सोमवार तो अगले दिन भाव मंगलवार को गिरफ़्तार कर लिया गया। विजिलेंस ब्यूरो इस मामले के 4 होर व्यक्तियों की भी नामजद कर चुकी है, उन्हां दी भी तलाश जारी है। तो विजिलेंस ब्यूरो ने यह भी दस्या कि बाकी जिहड़े मुलजम ने उन्हां नूं गिरफ़्तार करने वास्ते छापेमारी की जा रही है। दसना बनता है कि मुलजम मनजीत सिंह परमजीत सिंह ने शिकायतकर्ता के घर की रेकी की, परमिंदर सिंह उन्हां 3 मुलजमां दे विच्चों एक है जो 12 अगस्त को शिकायतकर्ता के घर सी। सो हुण तुसीं आप अंदाज़ा ला लो कि असी की बन के किवें किवें ठकियां मार रहे हां। तो हुण कुछ खबरां सियासत दे नाल संबंधित ने। सियासत हमेशा सरगर्म उस वक्त हो जाती है जदों चोणां नेड़े होण जां कोई मुद्दा उन्हां नूं लगदा कि चोणां च भनाया जा सकदा है। पंजाब विधानसभा दीआं चोणां दे विच संगरूर ते जलंधर दी ज़िमनी चोण दे विच श्रोमणी अकाली दल नूं शर्मनाक ते करारी हार दा सामना करना पिया। तो अगले साल लोक सभा दीआं चोणां ने, लोक सभा चोणां दीआं श्रोमणी अकाली दल ने लगदा कि तैयारियां विट दित्तियां ने। कुछ क साल तक श्रोमणी अकाली दल नूं केडर बेस पार्टी मनिया जांदा रहा, पर जेकर 2017 तो अज तक नज़र मारीे इहदा केडर लगातार कमज़ोर हुंदा जा रहा, खुरदा जा रहा है। तो हुण पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल साहब ने लगदा कि पार्टी संगठन नूं जां पार्टी नूं मुड़ लीहां ते चढ़ाउण वास्ते मुड़ उसारी वास्ते जतन शुरू कर दित्ते है। इस लड़ी के तहत 15 ज़िलों के पार्टी मुखियों की भाव जिला प्रधानों की सूची जारी कर दी है। सुखबीर बादल ने जिन्हां आगू जिला प्रधान बनाया, दसना बनता कि उन्होंने बहुते टकसाली अकाली परिवारों ने, इन बहुते बादल परिवार ज अकाली दल के पुराने वफादार दसे जा रहे हैं। अकाली दल के बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने नवे आगुआ की सूची सोशल मीडिया हैंडल से साझी कर दी है। श्रोमणी अकाली दल ने 15 जिला प्रधानों की सूची जारी करके ये दस दिता कि असी सरगर्म हो चुके हैं। दसना बनता कि इन्हां विच एक भी चेहरा इस तरह का नहीं है, नवा नहीं है, जां कोई इस तरह का नहीं जो किसी होर पार्टी विच्चों अकाली दल विच आया होवे। भाव श्रोमणी अकाली दल नूं हुण भी आख्या जा सकता है कि अपने पुराने टकसाली चेहरियां ते विश्वास है, तो उन्हां ते विश्वास करके अगलियां चोणां विच ये नितरना चाहुंदे है। वेखदे हां कि जिन्हां ते ये विश्वास कर रहे ने कि लोग उन्हां ते विश्वास करनगे जां नहीं। हुण गल करदे हां नरवीर दी, कुटमार कांड दी, राजा वड़िंग ते सुखी रंधावा दी। कुछ दिन पहलां तुहानूं याद होना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के ला विद्यार्थी नरवीर दे नाल एक लड़ाई हुई, तो हुण उस लड़ाई का वीडियो सामने आ गया। वीडियो दे विच पंजाब पुलिस के 2 मुलाजम ने जिहड़े नरवीर सिंह नूं जमीन ते कुट के सुट के उहदी कुटमार करदे इस वीडियो दे विच नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो नूं नरवीर ने खुद प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी कर दिता। नरवीर ने कहा
कि साबका उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के दोषी पुत्र उदयवीर रंधावा बचाने लई सुखी रंधावा ने पुलिस से लगातार दबाव बनाया अते कार्रवाई नूं रोकिया है, पर वो इस मामले दे विच पब पिछे नहीं पुटणगे। पुलिस नूं इस वीडियो तो बाद कहिंदे हुण मामले की जिहड़ी कार्रवाई की जा रही है उहदे विच अगवा की धारा भी जोड़नी चाहीदी है। नरवीर सिंह ने यह भी कहा कि पिछले दिन ही कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग ने स्टेज तो उदयवीर रंधावा आख्या कि जे नौजवान नहीं लड़नगे कि असी लड़ांगे, उहदी पिट्ठ थपथपाई आख्या कि जा तेरे असी नाल हैं। वह कहिंदे एक किस्म का समर्थन दिता तो नौजवानों नूं भड़काउण वाली गल कीती ते आख्या कि विद्यार्थी लड़दे ही हुंदे है, पर कहिंदे हुण आ वीडियो है जिस दे विच सारा कुछ स्पष्ट है कि हुण राजा वड़िंग अपना स्टैंड बदलणगे कि मेरी कुटमार कीती है तो सामने नज़र भी आ रहा है। ये नाल ही उन्होंने इस वीडियो दे विच दिखाई देने वाले पुलिस मुलाजमान के खिलाफ भी कार्रवाई की मंग की है। तुहानू याद करवा दें कि 23 अगस्त को चंडीगढ़ दे विच पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी नरवीर सिंह की कुटमार करके अगवा करने की कोशिश की गई, तो ये नरवीर के सिर के सट लग गई सी, 3 टांके लाने पे सी। एक घटना सैक्टर 17 की सी, विद्यार्थी ने भाव नरवीर ने रौला पाया तो दोषी उन्हें सैक्टर 17 वाले थाने लै गए। बुधवार देर शाम वह सैक्टर 17 में खाना खाण गया जिथे एक घटना वापर गई सी। उस समय पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा का पुत्र उदयवीर सिंह रंधावा अपने कुछ गनमैना नाल उत्थे पहुँच गया सी। नरवीर दे दसण अनुसार वह सारे नशे विच सन अते आउंदे सार उहदी कुटमार करन लगे ते गाली गलोच करन लगे जिस दे कारण उहनूं सट्टां लगियां। हुण इत्थे फिर सवाल खड़ा हुंदा है कि जे सैक्टर 17 दे थाने दे विच उदयवीर रंधावा भी गए सी जिन्हां दे सिर दोष के उहने कुटमार कीती है, की उहदा डॉक्टरी मुआयना कराया गया, की मुलाजा करवाया गया, जां फिर सुखी रंधावा दे दबाव विच चंडीगढ़ पुलिस आई। तो हुण गल करदे आं कोड़ दी भाव चिट्टे दी, पर हुण पिंडां दे पिंड उठ खड़े होए ने ते आ खबर काफ़ी अहम खबर है पंजाब वास्ते, पंजाबियों वास्ते जां नौजवानी वास्ते। चिट्टा वेचण वालियां दा कहिंदे जिहड़ा साथ देवेगा ना उहनूं अवार्ड देंगे, पर अवार्ड का नाम है दोगला अवार्ड। इस विशेष अवार्ड नाल कहिंदे उहदा सन्मान करांगे, शर्म तां आऊगी ना। फिर यह ऐलान नशियां खिलाफ़ मुहिम की शुरुआत करन वाले पिंड शेर माजरा दे नौजवानों दे वल्लों कीता गया है। नौजवानों ने दसिया है कि चिट्टे नूं रोकण लई शुरू की गई मुहिम उहनूं काफ़ी हुंगारा मिल रहा है, शरेआम चरण वाला काम हुण कहिंदे बंद हो रहा है। यह सब लोगों की एकजुटता कारण कहिंदे संभव हो सकिया है। हुण तुसीं अंदाज़ा लाओ कि आपां डे वन तो कहिंदे आ रहे हैं कि लोगों नूं इहदे खिलाफ़ खड़े होना पएगा, बोलना पएगा। उह कहिंदे कुछ हाले भी ने जिहड़े चोरी छुपे काम चला रहे ने, तो 2-4 लोग नशा तस्करां दा साथ भी दे रहे ने, गंदे आंडे पिंडां च हुंदे आ ते उहनूं बचाउण दी कोशिश भी कर रहे ने। उन्होंने इस तरह के लोगों नूं चेतावनी दित्ती है कि जेकर वह फिर भी ना सुधरे तो उन्होंने घर जाके चिट्टा वेचण वालियां दा साथ देण वालियां लई दोगला अवार्ड उन्होंने घर जाके उन्होंने मत्थे मार के आवांगे। दसना बनता है कि नशियां तो तंग तो सारा ही पंजाब है, बल्कि सारी दुनिया ही है, अते हुण इन्हां पिंडां दे जिहड़े स्थानक लोग ने उन्होंने मुहिम तेज़ कर दिती है, तो यह मुहिम लोक लहर बनती जा रही है। पिंडां विच नशा तस्करां के खिलाफ ठीकरी पहरे लग रहे हैं, ठीकरी पहरियां तो बाद पक्के मोर्चे लगने शुरू हो चुके हैं अते बहुत सारे पिंड इन्हां मुहिमां विच हुण शामिल हो रहे हैं। नशियां दे खिलाफ ठीकरी पहरियां दे नाल नाल पिंडां दे बाहर हुण पक्के टेंट ते मोर्चे वेखे जा सकते हैं। पिंड भांडरा डरोला डरोली इन्हां वल्लों मुख सड़क ते टेंट लगा दिता गया ते पक्का मोर्चा गढ़ दिता गया। मोर्चे ते तैनात पिंड दे वासियां दे वल्लों पिंड विच दाखल होण तों पहलां शक्की व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। इस मोर्चे विच दिन ते रात 8 तों 10 व्यक्तियों की पक्की ड्यूटी तय कर दिती गई है ता जो पिंड विच आउण ते इत्थों जाण वाले हर व्यक्ति ते नज़र रखी जा सके। बीते मंगलवार का दिन सी, भाव मंगलवार नूं 6 पिंडां दे विच नशियां दे खिलाफ जागरूकता रैली कढ़ी गई। रैली दे विच लंगड़ोई इह उही पिंड है जिथों की गोगी नां दी इक औरत कंध ते कंडा रख के समान वेच रही सी। लंगड़ोई दे नाल शेर माजरा
शेर माजरा भानरा भानरी डरोला डरोली इन पिंडां दे विच रैली कढ़ी गई है जिस विच पिंडां दे नौजवान बजुर्ग बच्चे बीबिया पंचायत पंचायत मैंबर ते किसान आगू भी शामिल होए। पिंड दे लोकां ने दस्सिया कि पूरा इलाका ते हर वर्ग नशियां दे खिलाफ उठ खड़िया होया, नशियां दे कोड़ नूं जड़ों पुट्टण लई सारे एकजुट हो चुके है। हुण तां कहिंदे नशियां नूं खत्म करन तों बाद ही असीं शांत हो के बैठांगे। इस रैली दे दौरान नशा तस्करां नूं सख्त चेतावनी भी दित्ती गई अते नौजवानां नूं नशियां दे खिलाफ डट के खड़न वास्ते प्रेरित भी किया गया। ते नाल ही पिंड तुलेवाल भी दस्सिया जा रहा है कि नशियां दे खिलाफ डट के खड़ा हो गया है। बठिंडा वाले पास्यों मानसा वाले पास्यों भी इस तरह दीआं बहुत सारीआं खबरां आईआं ने। पिंड वासियां दे वल्लों नशा तस्करां नाल नजिठण लई एक कमेटी का गठन कर दिता गया। यह भी आख दिता गया कि नशा तस्करां की कोई जमानत देण नहीं जाऊगा, यह सौंह पाई गई तो परण लिया गया। तो नशे की तस्करी रोकण लई पिंड दे लोकां ने कहा कि आउण वाले दिनां दे विच उह भी ठीकरी पैरे लाउणगे अते जेकर कोई पिंड विच नशा वेचदा जां खरीददा फड़िया गया तां पहला कहिंदे असीं आप करांगे कहल उहदा काबू करांगे, फिर पुलिस हवाले करांगे। DSP समाणा नेहा अग्रवाल ने कहा कि नशा करना भी अते नशा वेचना भी बहुत वड्डा जुर्म है। तां ही कहिंदे पुलिस वल्लों काबू किए गए नशा तस्करां नूं जमानत देण वाला जां जमानत करवाउण वाला भी गुनाहगार समझिया जाणा चाहिए। इसलिए कहिंदे सानूं अपनियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं बचाउण अते नशे दा जिहड़ा ये रोग लग चुकिया कलंक लग चुकिया इहनूं मुढ़ तों जां जड़ तों वढ़न लई एकजुट होण दी लोड़ है। DSP नशियां दे खिलाफ़ मुहिम नूं सफल करन दे वास्ते पिंड वासियां तों साथ मंग रहे सी। थाणा सदर समाणा मुखी रौनी सिंह ने नौजवानों को खेडां नाल जोड़ के नशियां तो दूर रखने लई कुछ सुझाव भी दिते। उन्होंने ये भी आख्या कि नशा जिथे साडी जिंदगी नूं तबाह कर रहा है उत्थे साडी आर्थिक हालत नूं स्थिति नूं भी कमज़ोर कर रहा है। सानू नशियां की दलदल दे विच फसण की बजाए समाज सेवी कम्मां दे वल कहिंदे ध्यान देना चाहिए। हुण पिंड इस पासे नूं तुरे है, लगता है कि मंजिल मिल जाएगी। तो हुण गल करदे आं कैनेडा आउण दे चाहवानां दे वास्ते उन्हां दे मापिआं दे वास्ते आ खबर झटका दे सकती है। कैनेडा दे मंत्री शॉन फ्रेजर ने संकेत दे दित्ते है कि स्टडी वीजे का मुलांकण करन वास्ते ट्रूडो सरकार नूं जरूरत है अते डुंघाई नाल इहदे ते विचार हो रहा है अते स्टूडेंट्स की गिणती सीमित की जा सकती है। शॉन फ्रेजर ने इत्थों तक आख दिता है कि कैनेडा विच तेजी नाल आ रहे स्टूडेंट्स की वध गिणती दे कारण इत्थों दीआं घरां दीआं कीमतां जमीन दीआं कीमतां ते काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पै रहा है। शॉन फ्रेजर के इस बयान के नाल पंजाब के उत्ते डूंघा असर पै सकता है। जे माहिरां दी मन्नीए तां इस फैसले नाल भारतीयां दे कैनेडा विच आउण दे सुपने टुट सकदे है। कैनेडा विच लोकां दे रहण लई थां घट पै रही है, भाव घरां दी कमी पाई जा रही है। इसलिए कैनेडा दे विच विदेशी खास करके जिहड़े आपां तां पंजाबीआं दा गल कर रहे हैं उन्हां दी जां भारतीयां दी गिणती दे उत्ते लगाम लाउण दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं ने। दसणा बणदा है कि साल 2022 दे विच दुनिया भर के 184 मुल्कां दे विचों 8 लाख तों वध विद्यार्थी कैनेडा पहुँचे, जदों के 2015 दे विच कैनेडा पहुँचण वाले विद्यार्थियों की गिणती 4 लाख तो भी घट सी। कैनेडा विच बीते लगभग 7 साल तो घरां दीआं कीमतां ने जिहड़ीआं उह असमान नूं छूहण लगियां ने ते कैनेडा दे रहण वाले लोग इस महंगाई की मार झल रहे ने। कैनेडा स्टडी वीज़ा माहिरां दा कहना है कि जिहड़ीआं संस्थावां कुछ मापदंडां नूं पूरा करदियां ने उन्हां नूं भरोसेयोग संस्थावां वल्लों मनोनीत किया जाना चाहिए। तो इसलिए जेकर यह फैसला लिया जाता है तो अजिहे कॉलेज इसका शिकार हो जाएंगे जिन्हों का उद्देश सिर्फ तो सिर्फ डिग्रियां अते बच्चों नूं वर्क परमिट ते भेजना है। जेकर सरकार इस तरह का कोई फैसला ले लैंदी है तो इहदे नाल कैनेडा आउण दे जिहड़े चाहवान विद्यार्थी ने जिहड़े उन्हां दे मापे ने जिहड़े अपना भविख सिर्फ तो सिर्फ कैनेडा विच तय करके बैठे आ जां वेखदे आ कि उत्थे ही कुछ चंगीआं गल्लां सामने आ सकदीआं ने उहनां नूं झटके लग सकते हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों दे विच विद्यार्थी वीजे के उत्ते थोड़ियां बहुत बरेकां ला दित्तियां जाणगियां। दोस्तों ये सी कुल मिला के अपना अज का प्रोग्राम, उम्मीद है तुहानू चंगा लग्या होएगा। जेकर प्रोग्राम चंगा लग्या तो कृपा करके लाइक अते शेयर जरूर कर देना। जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके
सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर ऑन कर लेनी, तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। हुण समा समाप्त है, जाण तो पहला कहांगा जिंदगी जिंदा दिली दा नाम है दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल, तेरा प्रखा।